तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जब आपके पास फीमेल डॉग हो और वो थोड़ा बड़ी हो जाए तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो ये अभी डॉगी है हमारी, ये थोड़ा बड़ी हो गई है, अभी पॉपी से बड़ी हो गई, 7-8 महीने की हो गई है। तो जब ये 7-8 महीने के हो जाते हैं, ले लीजो, ले 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 कम, जब 7-8 महीने की हो जाती है तो इनको ये हीट में आ जाती है। और हीट में आ जाती है तो हीट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हम मनुष्यों में या हम इंसानों में पीरियड्स होते हैं, वैसे इनको भी पीरियड्स होते हैं। तो उस टाइम आपको अपने डॉग की थोड़ा केयर करनी चाहिए। और पीरियड्स इनके टाइम टू टाइम तभी होंगे जब आप इनको टाइम टू टाइम इनके खाना दे रहे, जैसे मिनरल विटामिन्स देते होंगे, पेडिग्री वगैरह हो गया, जो भी इनका खाना प्रॉपर है उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप खिला रहे हैं तो ये टाइम टू टाइम इनको हीट होती रहती है। वरना कभी 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 किसी किसी का भी तो होता नहीं है, प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सलाह करूँगा कि अगर आपके पास फीमेल डॉग है और या लेने की सोच रहे हैं, तो आपको फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट हीट में इनको मेटिंग नहीं कराना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है कि फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम में अगर हीट होता है तो तब आप इनको मेटिंग करानी चाहिए। लीजो कौ? तो अभी तो इसको हमने डाइपर लगा के रखा हुआ है, क्या कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चा मेरा। तो शांति से रहती है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है पीरियड्स के टाइम में, उसको जो भी प्रॉब्लम होती होगी तो उस टाइम आपको अपने डॉग को केयर करनी चाहिए प्रॉपरली। और मैंने तो आपको यही सलाह दी कि इनका मेटिंग नहीं कराना चाहिए, फर्स्ट उसमें तो नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए। सेकेंड टाइम जब हीट में आती तो आप प्रेगनेंट ही मेटिंग करा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताना चाह रहा था। और ऐसे ही हमें प्यार देने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। लीजो को ऐसा ही प्यार देते रहे आप। तो ये तो अभी अपनी हड्डी चिबाने में व्यस्त है। चल उठ, तो अभी सुनने के लिए पूरी हड्डी चापने में व्यस्त है। देख हाई करो हाई। तो ये सुनेगी नहीं, अभी क्या बता सकते। तो मैंने तो इसको अभी बचने के लिए डायपर लगा के रखा हो या पूरा डायपर लगा के रखा हो, थोड़ा इनका केयर रखें और साफ सुथरा जरूर रखें। और एक और चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि इसको आप अगर बाहर घुमाने ले जा रहे हो तो स्ट्रीट डॉग से दूर रखें, किसी के साथ मिलने न दें। और बाहर तो बहुत ही कम लेके जाएं इसको आप वगैरह, स्ट्रीट डॉग से तो बहुत ही दूर रखें, क्योंकि किसी के साथ मिलने न दें, या डॉग से मेल डॉग से तो मिलने न दें। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम तो नहीं मिलना देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे।